बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। समय के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के दौर से हटने के बाद जो बाइडेन ने पहली बार बुधवार को देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये समय अब युवाओं का है, वे नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहे हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से हटने के बाद दिए गए संबोधन पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी और बाइडेन पर तीखा हमला किया। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन का भाषण मुश्किल से समझ में आने वाला और ये बहुत बुरा भाषण था। ट्रंप ने ये टिप्पणी बुजुर्ग हो चुके बाइडेन के लड़खड़ाते हुए भाषण को लेकर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कुटिल जो बाइडेन का ओवर ऑफिस में दिया गया भाषण मुश्किल से समझ में आने वाला था और ये बहुत बुरा था। एक दूसरी पोस्ट में ट्रंप ने बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस को अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी बताते हुए हमला किया। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन और झूठ बोलने वाली कमला हैरिस अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक है। देश के लिए ऐसा समय पहले कभी नहीं आया। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अपनी दावेदारी वापस लेने का निर्णय कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को अपने ओवल ऑफिस से संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को मसाल सौंपना चाहता हूं। आंतरिक सर्वे में मेरी हार का आकलन किया गया था, इससे परेशान होकर ये फैसला लिया है। मैं अपने साथ डेमोक्रेट साथियों को हार की ओर नहीं खींच सकता। ओवल ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2024 के चुनावी दौर से हटने की घोषणा करने और देश के राष्ट्रपति के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन करने के बाद पहली बार बाइडेन ने कहा कि यह हमारे देश को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है।